सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, और मुझे बताओ कमेंट्स में कि आप 2020 में क्या धमाल करने वाले हैं। अगर मैं आपको अपनी बताऊं तो मैं आपको हमेशा की तरह आगे भी बताता रहूंगा फोन की अच्छी बातें और बुरी बातें दोनों ही। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं रियलमी के बारे में। नया साल स्टार्ट होते ही रियलमी की 2020 सेल भी आ चुकी है। यहाँ पर रियलमी के 12-13 फोन है जिनको हाईलाइट किया जा रहा है। बट क्या ये फोन आज की डेट में आपको लेने चाहिए, चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला फोन दिखाया जा रहा है रियलमी 3i 6999 में। अगर हम वैसे ये फोन देखते हैं प्राइस के हिसाब से तो अच्छा है, मिरर है किलो P60 यहाँ पर आपको मिल रहा है। बट दिक्कत ये है आपको 500 रुपये और बढ़ाकर मिल जाएगा रियलमी 3, जो कि इससे काफ़ी बेटर ऑप्शन है। वहाँ पर आपको मिलता है मिरर है किलो P70। तो ऐसे में हम 7000 में ये फ़ोन क्यों लेंगे। बट अगर ऐसी बात है कि आपको 7000 से ऊपर बिल्कुल भी खर्च नहीं करना तो ये फ़ोन आप ले सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद है रियलमी C2। इसको मैं कह सकता हूँ आप इग्नोर करो, ये आपको 6000 का मिल रहा है। फिर भी ये फ़ोन आज की डेट में मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता। इसका रीज़न ये है, यहाँ पर आपको लैग देखने को मिलेगा, परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको अच्छी देखने को नहीं मिलने वाली। ये मेन रीज़न है इस फोन को इग्नोर करने का। परफॉर्मेंस के अलावा डिज़ाइन में यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। इन हैंड फील इस फोन की टॉप क्लास की है। डिस्प्ले भी फोन का काफ़ी अच्छा है। लेकिन दोस्तों परफॉर्मेंस के बिना इन हैंड फील का आप क्या करेंगे, सोचने वाली बात है। उसके बाद यहाँ पर मेंशन है 16999 में रियलमी X2, जो कि मैं कह सकता हूँ अच्छा फ़ोन है। प्राइस के हिसाब से कोई आपको शिकायत नहीं होने वाली। गेमिंग यहाँ पर आप टॉप क्लास की कर सकते हैं। स्नैपड्रैगन 730G यहाँ पर आपको मिल रहा है, साथ में एमोलेड डिस्प्ले इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। इसका मैं रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूँ, ऊपर आपको कार्ड्स में लिंक मिल जाएगा। थोड़ी बहुत कमियाँ हैं फ़ोन में बट प्राइस इस फोन का अच्छा है तो मैं ये रिकमेंड कर सकता हूँ आपको। फिर आता है हमारा रियलमी XT, जो कि कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था, अभी आपको मिल रहा है 15000 में। यहाँ पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 712 सुपर एमोलेड डिस्प्ले इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। 15000 में मैं कह सकता हूँ ये एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। तो अगर आप 15000 से ऊपर बिल्कुल भी खर्च नहीं करना चाहते तो ये फोन आप ले सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई भी शिकायत नहीं होने वाली। या फिर आप जा सकते हैं 2000 और बढ़ाकर रियलमी X2 के साथ, जो कि इसके कंपैरिजन में और भी बेटर ऑप्शन है। प्रोसेसर वहाँ पर आपको बहुत ही दमदार मिल रहा है स्नैपड्रैगन 712 के कंपैरिजन में। वहाँ पर है स्नैपड्रैगन 730G, सबसे बड़ा यही डिफरेंस है इन दोनों स्मार्टफोन्स में। इसके बाद आपको दिखाया गया है रियलमी 3, जो कि आपको मिल रहा है 7499 में। यहाँ पर आपको मिलता है मिरर है किलो P70, जो कि मैं कह सकता हूँ प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत यह है आपको इसी प्राइस के आसपास मिल जाएगा रियलमी 2 प्रो, जो कि रियलमी का थोड़ा पुराना फ़ोन है बट आज की डेट में भी इस प्राइस पे वो रिकमेंडेड है। वहाँ पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 660 और आपको मिल जाएगा फुल HD+ वाला डिस्प्ले। कैमरा भी इस फोन का काफ़ी अच्छा है, जबकि आपको रियलमी 3 या फिर रियलमी 3i में मिलता है HD+ वाला डिस्प्ले, फुल HD+ यहाँ पर आपको नहीं मिलता। कैमरा भी इनका उतना सॉलिड नहीं है जितना कि आपको मिलता है रियलमी 2 प्रो का। तो अगर आपको रियलमी का ही फ़ोन चाहिए 7-8000 की रेंज में तो मैं आपको रियलमी 2 प्रो रिकमेंड करूँगा रियलमी 3 और रियलमी 3i की जगह पे। उसके बाद है रियलमी X2 प्रो का नया वेरियंट 2799 का। देखो ये फ़ोन मैं पूरी तरह से टेस्ट कर चुका हूँ, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ फ़ोन ये अच्छा है लेकिन प्राइस को ये भी जस्टिफाई नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ कैमरा। कैमरा इस फ़ोन का उस लेवल का नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस आपको टॉप क्लास की मिलती है, वहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और डिस्प्ले भी यहाँ पर है टॉप क्लास का, बट कैमरा अच्छा नहीं है इस फोन का जितना कि होना चाहिए। मतलब आप ये मान लो रियलमी XT को भी टक्कर नहीं दे पा रहा इस फोन का कैमरा, ये मैं आपको कहूँगा। तो अगर कैमरा आपकी प्रायोरिटी है तभी इस फोन को आप इग्नोर कीजिएगा, अदरवाइज आप देख सकते हैं अगर आपको गेमिंग फोन चाहिए इस प्राइस पे तो। बट फिर माइंड में ये भी आता है 2800 भर के 64GB स्टोरेज, SD कार्ड भी आप यहाँ पर नहीं लगा सकते, ये बात भी आपको माइंड में रखनी है। रियलमी 5 8999 में, इसको मैं कहूँगा इग्नोर करो, कुछ भी यहाँ पर आपको नेक्स्ट लेवल का देखने को नहीं मिलता। उसके बाद है रियलमी X 14999 में। देखो वैसे ये फ़ोन अच्छा है, स्नैपड्रैगन 710 यहाँ पर आपको मिल रहा है और आपको मिल रहा है फुल व्यू डिस्प्ले सुपर एमोलेड पैनल के साथ। इसको मैं कह सकता हूँ अगर आपको फुल व्यू डिस्प्ले ही चाहिए 15000 में तब आप ले सकते हैं, अदरवाइज रियलमी XT इसके कंपैरिजन में काफ़ी बेटर ऑप्शन है। उसके साथ आप जाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा रियलमी X के कंपैरिजन में। उसके बाद है रियलमी का नया स्मार्टफोन रियलमी 5S, जो कि आपको मिल रहा है 9999 में। अब ये फ़ोन हम क्यों लेंगे, सोचने वाली बात है, क्योंकि आपको सेम प्राइस पे रियलमी 3 प्रो देखने को मिल रहा है, जो कि इसके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। वहाँ पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 710, यहाँ पर आपको मिल रहा है स्नैपड्रैगन 665, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो आप जाइए रियलमी
3 Pro के पास। परफॉर्मेंस वहां पर आपको टॉप क्लास की मिलेगी Realme 5S के कंपैरिजन में। कैमरा भी उसका अच्छा है और साथ में आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले भी वहां पर मिल रहा है, जबकि Realme 5S में है HD प्लस डिस्प्ले। 14,000 में आपको मिल रहा है Realme 5 Pro। इस प्राइस पे ये फोन मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर सकता, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए। आपको 1,000 और बढ़ाकर मिल जाएगा Realme XT, जो कि इसके कंपैरिजन में काफी अच्छा ऑप्शन है, और आपको यही फोन सेल में मिला था 10,800 के आसपास। तो अब हम ये 14,000 का कैसे ले सकते हैं। लास्ट में आप देखेंगे तो आपको दो फोन और दिखा रखे हैं, एक तो है Realme 3 Pro, ये मैं आपको बोल चुका हूँ इस प्राइस पे आप ले सकते हैं, कोई आपको शिकायत नहीं आएगी इसके साथ। दूसरा है Realme 2 Pro 8,000 में, तो उस प्राइस पे इस फोन को भी कोई टक्कर नहीं दे सकता। सीधी बात यह है, अगर आपको 10,000 से कम में चाहिए Realme का फोन तो आपके लिए बेस्ट है Realme 2 Pro, 10,000 में Realme 3 Pro, 15,000 में Realme XT, 17,000 में Realme X2, ये सारे फोन आप ले सकते हैं Realme के। और बाकी ये आपको जितने भी फोन मिल रहे हैं इनको आप इग्नोर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उतने ज्यादा ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है। और Realme X2 Pro भी आप देख सकते हैं अगर आपको गेमिंग के लिए फोन चाहिए उस प्राइस पे। अब आप बताओ मुझे कमेंट्स में इनमें से आपका फेवरेट फोन कौन सा है। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ हेल्प मिली होगी आज की वीडियो से। अगर आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।